अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनाया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, ठंड के मौसम में दायमी खांसी के मरीज को बहुत ही मुहतात होना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की नालियों में बलगम और नज़ले जुकाम के जरासीम ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं, और बलगम जो कि बाहर नहीं निकलती और नालियों को ही जकड़े रखती है, फिर अक्सर शदीद इन्फेक्शन का सबब भी बन जाती है। इसलिए इसका बरवक्त इलाज ज़रूरी है। बाजार में मौजूद सिरप भले तो लगते हैं, लेकिन जेब पर खासा बोझ डालते हैं और अक्सर इनसे कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हासिल होता। तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सी रेमेडी बताने वाली हूँ, जो आपकी खांसी में फौरी आराम देगी और इसके नतीजे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक बआसानी पहुंचे। तो सबसे पहले आपने एक प्याज लेनी है, और प्याज दरमियाने साइज की हो। वैसे तो मार्केट से ईरानी प्याज भी मिलती है, लेकिन कोशिश करें कि आप ईरानी प्याज ना खरीदें। ईरानी प्याज सफ़ेद रंग की होती है और ये बेजायका सी होती है। तो आप एक दरमियानी साइज़ का प्याज लें और इसका ऊपर वाला छिलका अच्छे से उतार लें और ऊपर से अच्छे तरीके से साफ कर लें। इसके बाद आपने इस साफ की हुई प्याज को चूल्हे पर जलाना है, और जलाते हुए आंच को थोड़ा नॉर्मल रखें, और जब ये ऊपर से अच्छे तरीके से जल जाए तो इसे उतार लें और ऊपर से जली हुई तह को उतार दें और अंदर वाला प्याज अलग कर लें। अब जो प्याज का अंदरूनी हिस्सा है, इसे हवान दस्ते में कूट लें और अच्छी तरह से बारीक कर लें, और अब एक छलनी की मदद से छान लें और इसका रस अलग कर लें, और जितनी इसकी मकदार है इतनी ही मकदार में आप इसमें शहद शामिल कर लें, ताकि दोनों की मकदार बराबर रहे। और इसमें आप कोई भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास किसी भी किस्म का शहद मौजूद है तो आप वही इस्तेमाल कर लें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार है। अब इसका एक चम्मच आपने सुबह को पीना है और एक चम्मच रात को। इस रेमेडी को इस्तेमाल करते ही आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आपने इसका एक ही चम्मच इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एक ही चम्मच के इस्तेमाल से आपकी खांसी में हैरतअंगेज कमी आएगी। और एक चम्मच सुबह टाइम और एक चम्मच शाम टाइम, और इसके पीने के बाद आपने कोई और चीज़ या पानी वगैरह नहीं पीना है, ताकि इसका असर अच्छे तरीके से हो जाए। और ये थी हमारी आज की आसान सी और मुफीद रेमेडी, जो कि खांसी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ